के पहले क्वेश्चन के साथ, और वो किस संस्थान ने 29 नवंबर 2017 को आईपीएल मीडिया अधिकार के संदर्भ में प्रतिस्पर्धा रोधी गतिविधियों के लिए भारतीय क्रिकेट बोर्ड बीसीसीआई पर 52,24,00,000 रुपए का जुर्माना लगाया है। बीसीसीआई पे किस संस्थान ने ये जुर्माना लगाया है, और आपके ऑप्शंस हैं भारतीय प्रतिस्पर्धा आयोग, सेबी, आरबीआई और इरडा यानी कि आईआरडीए। तो इसका जो सही जवाब है वो आपका भारतीय प्रतिस्पर्धा आयोग और यानी कि सीसीआई। इसने 29 नवंबर 2017 को आईपीएल मीडिया अधिकार के संदर्भ में ये जो एक जुर्माना लगाया बीसीसीआई के ऊपर, क्योंकि ये कोई मीडिया अधिकार का इन्होंने उल्लंघन किया है। एक्चुअली में किया क्या था, इन्होंने एक और नया इस पर कानून ऐड किया है जिसके चलते जो है जो मीडिया अधिकार है जो कि ब्रॉडकास्ट वगैरह का जो अधिकार राइट होता है उसमें उन्हें काफ़ी प्रॉब्लम हो रही है, जिस वजह से इन्होंने करीबन 52 करोड़ रुपये 24 लाख रुपये का जुर्माना लगाया है। इस पर इनका ये कहना है कि सीसीआई का कि करीबन ये जो जुर्माना है इनके 2013 से लगाया गया है, एक्चुअली 2013 में भी लगाया गया था, तब से 2013 से लेकर 2017 के उसमें ये सिर्फ आपका 4% ही ये जुर्माना बैठता है जिस तरीके से बीसीसीआई की कमाई है। आइए चलिए जानते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। ये आपका भारत और किस देश ने 29 नवंबर 2017 को स्वास्थ्य क्षेत्र में सहयोग बढ़ाने के लिए समझौता किया यानी कि MOU साइन किया यानी कि मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग में हस्ताक्षर किए हैं, और आपके ऑप्शंस हैं इटली, जर्मनी, फ्रांस, मलेशिया। तो इसका जो सही ऑप्शन है वो है आपका इटली, और इनके बीच में भारत और इटली ने जो है एक स्वास्थ्य क्षेत्र के में सहयोग बढ़ाने के लिए समझौता में एक हस्ताक्षर किए हैं, जो कि हमारे केंद्रीय स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री हैं JP नड्डा। तो आप इस को भी याद रख सकते हैं क्योंकि जो हमारी क्वेश्चन आ सकते हैं कभी कि जो स्वास्थ्य परिवार कल्याण मंत्री कौन है, तो JP नड्डा जी हैं, और इटली जी के स्वास्थ्य मंत्री ब्रिटिश लॉरेजिन जिन्होंने इस पर हस्ताक्षर करवाए हैं। तो आइए चलिए जानते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। भारत और किस देश ने 29 नवंबर 2017 को सुरक्षा सहयोग बढ़ाने के लिए आतंकवाद के खतरे का मिलकर सामना करने में सहमति दर्ज की है। आपके ऑप्शन से श्रीलंका, पोलैंड, सिंगापुर और सर्बिया। इसका सही जवाब है आपका सिंगापुर और भारत, यानी कि सिंगापुर इसका सही आंसर है, और भारत और सिंगापुर के बीच में एक सहयोग बढ़ाने में एक बातचीत हुई है और आतंकवाद से लड़ने के लिए इन दोनों का जो है सहयोग के ऊपर एक सहमति बनी है, जिससे कि इन दोनों देशों के ऊपर जो भी आतंकवाद से लड़ने के लिए जितनी भी सहयोग की ज़रूरत होगी तो इन दोनों के बीच जो एक कोऑर्डिनेशन रहेगा। अगला क्वेश्चन है किन्हें लोकसभा की पहली महिला सेक्रेटरी जनरल नियुक्त किया गया है। तो आपका ऑप्शन है रमा देवी, स्नेहा लता श्रीवास्तव, सुप्रिया मिश्रा, अनुपमा शर्मा। इसका सही जवाब है आपके मध्य प्रदेश की वरिष्ठ IAS अधिकारी हैं, और स्नेहा लता श्रीवास्तव जो कि लोकसभा की पहली महिला महासचिव होंगी। इससे पहले आज तक भी कोई लेडी लोकसभा की वो नहीं बनी है कोई भी महासचिव। तो इससे पहले क्या है कि अनु मिश्रा जी हैं वो इस समय हैं, और उनकी जगह ये लेंगी स्नेहलता श्रीवास्तव। और इसकी जो अपॉइंटमेंट की जो नियुक्ति की जो डेट है वो 29 नवंबर 2017 को ही जारी कर दी गई थी। किस देश के राज्य विक्टोरिया की सांसद ने 29 नवंबर 2017 को इच्छा मृत्यु का कानून पारित कर दिया है। किस देश का वो राज्य है, जैसे कि भारत है, भारत के कई राज्य हैं तो उसकी जो सांसद है उसमें इस तरीके से बातचीत की गई है। तो किस देश के राज्य में ये सांसद ने इस कानून इच्छा मृत्यु के कानून को पारित कर दिया। आपका ऑप्शन है अमेरिका, कनाडा, रूस, ऑस्ट्रेलिया, और इसका सही जवाब है डी यानी कि ऑस्ट्रेलिया। ऑस्ट्रेलिया के जो राज्य विक्टोरिया है उसके सांसद ने ये इच्छा मृत्यु का कानून पारित कर दिया, यानी कि इसके साथ ही ये इच्छा मृत्यु देने वाला विक्टोरिया मतलब ऑस्ट्रेलिया का पहला राज्य बना है। वैसे जो है ये नीदरलैंड वर्ल्ड का पहला कंट्री थी जिस पर इच्छा मृत्यु के लिए कानून को जो है लीगलाइज किया गया था, वो किया गया था 2002 में। उसके बाद से कई सारे कंट्री है, अमेरिका है और आपका कनाडा है, कई सारे ऐसे देश हैं जहाँ पे इच्छा मृत्यु के लिए अब लीगलाइज कर दिया गया है। ऐसा नहीं है कि आप सुसाइड करना चाह रहे हैं तो आप लीगलाइज हो, बट आपको अगर कहीं कोई प्रॉब्लम या परेशानी है उस पर लोग क्या चाहते हैं कि इच्छा मृत्यु का प्रावधान है और जो कि लीगलाइज कर दिया गया है
इस समय ऑस्ट्रेलिया के विक्टोरिया राज्य में भी। तो आज की जो अपडेट्स थी वो इतनी ही थी, और मिलते हैं आपको एक और अपडेट के साथ अगले दिन के लिए। तब तक के लिए बने रहिए मेरे इसी चैनल के साथ, शेयर कीजिए, लाइक कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग, बाय बाय।